नोएडा सेक्टर 30 चाइल्ड पीजीआई में नर्स स्टाफ ने हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल नर्स स्टाफ में पदस्थ सुरेंद्र बोरा अपनी पत्नी के बीमार होने के चलते कुछ दिनों के लिए अपने घर राजस्थान गए हुए थे। हालांकि चार दिन की छुट्टी के बाद उन्होंने वापस आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन फिर भी उन्हें बिना बताए निष्कासित कर दिया गया, जिसके विरोध में नर्सिंग यूनियन और एसएसपीएच पीजीटीआई कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन करते हुए काला फीता बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सेक्टर 30 में स्थित चाइल्ड पीजीआई में एक संविदा कर्मी स्टाफ नर्स सुरेंद्र बोरा को नौकरी से निकालने का मामला सामने आया, जहां पति के बीमार होने पर सुरेंद्र चार दिन की छुट्टी लेकर घर गए थे। इसके लिए सुरेंद्र ने वार्ड नर्सिंग इंचार्ज और चीफ नर्सिंग ऑफिसर को मेल किया था। उन्होंने बताया था कि 16 सितंबर को सुरेंद्र सुबह की ड्यूटी करके घर राजस्थान गए थे। इसके बाद 21 सितंबर को सुरेंद्र ने आकर नाइट ड्यूटी की, वहीं 22 सितंबर को सुबह उन्हें निष्कासित करने का नोटिस जारी कर दिया गया। सुरेंद्र ने बताया कि वह कोरोना के दौरान सेक्टर 39 में बने कोविड अस्पताल में काम कर चुके हैं, वहीं चाइल्ड पीजीआई में भी लगातार मरीजों की सेवा की है। पत्नी की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी, इसीलिए छुट्टी लेकर मजबूरी में घर जाना पड़ गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं नर्सिंग यूनियन और एसएसपीएच पीजीटीआई कर्मचारी संघ गौतम बुद्ध नगर की ओर से एक मीटिंग हुई। मीटिंग में तय हुआ कि स्टाफ नर्स के निकाले जाने के विरोध में अन्य कर्मचारी काला फीता बांधकर काम करेंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे।